हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 31 करेंगे यूपीपीसीएस की, हमारी टेस्ट सीरीज का। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो 4-5 दिन आपके बचे हैं, वो आप इस टेस्ट सीरीज को जो है जरूर दीजिएगा। जो लोग लगातार हमारी टेस्ट सीरीज देते आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज से अपना टेस्ट देते आ रहे हैं यूट्यूब वाले पेड मेंबर्स को PDF मिल जाएगी। ये जो आखिरी ये सेकेंड लास्ट टेस्ट है हमारा 2019 की यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज का, ये थोड़ा सा इजी लेवल रखा गया है। इजी इन द सेंस इस लेवल का जैसे पेपर में पूछा जाता है। आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टेस्ट लगातार एक लेवल ऊपर अभी तक चले हैं, टेस्ट नंबर 30 तक। ये थोड़ा सा मतलब उस लेवल तक का है जैसे स्टेट पीसीएस में आता है। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है सब। तो पहला है यहाँ पर, दे हैव स्टीप स्लोप्स ऑन द साइड्स, इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अपरदन के कारण इसका ऊपरी भाग जो है दिखने लगता है, अपर पार्ट बिकम्स विजिबल बाय इरोजन या अपरदन। यह पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ पाया जाता है, वोल्केनो इरप्ट होते हैं वहाँ पर, और इसकी संरचना या रचना मुख्यतः ग्रेनाइट का योग होता है इसमें। तो कंपोजिशन मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये सारे कथन बेथोलिथ चट्टानों के बारे में सही हैं, ये बताना है। तो आपको बता दें सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर बेथोलिथ के बारे में करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। तो बेथोलिथ के बारे में आपको पता होगा, आग्नेय शैल के आकार के होते हैं, गुंबद के आकार के होते हैं, किनारे खड़े ढाल वाले, इनका आधार कभी नहीं दिखता है, लेकिन अपरदन से इनका जो है ऊपरी भाग जो है ये दिखने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, मृदा संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। रिगोलिथ या उपमृदा मंडल निचले मंडल को कहा जाता है। रिगोलिथ और द सब मेंटल इज कॉल्ड द लोअर लेयर। नो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन दिस बेड। इस संस्तर में जीव या जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कौन सा यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर भी आपके दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये अकार्बनिक चीज़ें यहाँ पर इस संस्तर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक चीज़ें या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। जब भूपटल की चट्टानों में खिंचाव होता है तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। जब भूपटल की घाटी में खिंचाव होता है तो होस्ट पर्वत की रचना होती है। एक बार फिर से, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आप ध्यान रख लीजिए इनकी संरचनाओं के बारे में। सी इज करेक्ट, रिफ्ट वैली जब क्रस्ट जो है स्ट्रेच हो जाता है तब इसका निर्माण होता है, और होस्ट वैली में जब चट्टानों में खिंचाव होता है, भूपटल की चट्टानों में खिंचाव होता है तो होस्ट पर्वत बन जाता है, होस्ट माउंटेन इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। पहला है, आंतरिक पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में बांटे जाते हैं। इंटरनल माउंटेन्स आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द साइट ऑफ द कॉन्टिनेंटल कोस्ट। और एटलस पर्वत आंतरिक पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, इंटरनल टाइप का पर्वत है एटलस माउंटेन। कौन सा सही है? खाली पहला यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज करेक्ट। ये तो सही है लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि एटलस पर्वत जो है ये इंटरनल नहीं है, ये कैसा है, ये है कोस्टल। ये कैसा माउंटेन है? कोस्टल। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करिए। नदी की तरुणावस्था में अपरदन सर्वाधिक होता है। इरोजन इज हाइएस्ट इन द यंग एज या फिर यंग स्टेज ऑफ द रिवर। नदी की प्रौढ़ावस्था में अपरदन की अपेक्षा निक्षेपण का कार्य अधिक सक्रिय हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। यंग स्टेज में क्या होता है कि इरोजन का जो साइकिल है वो बढ़ जाती है, लेकिन इरोजन का अमाउंट है वो नहीं बढ़ता है, फिर भी ये ध्यान रखने वाली बात है। वैसे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, सी बोथ। तो बोथ यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओशनिक प्लेन्स एक्सटेंड्स ओवर द मैक्सिमम एरिया इन ऑफ द ओशनिक बेड। सागरीय मैदान महासागरीय नितल के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। समस्त महासागरीय क्षेत्र के लगभग 70% से अधिक भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, टोटली फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर आप देखें, सागरीय मैदान जैसे दिया हुआ है तो इनकी गहराई जो है करीब 3,000 से 6,000 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक क्षेत्र होता है, ये भी सही है। ऐसे यहाँ पर लगभग 70% दिया है और एग्जैक्ट अगर देखें तो 76.9% के करीब होता है ये।
ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सी बोथ करेक्ट चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करिए। महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर पाया जाता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक चली जा सकती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। महासागर का सर्वाधिक तापमान उसकी ओशन की सतह पर ही पाया जाता है, और सूर्य की किरणें 200 मीटर से अंदर नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं आपके। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एक बार फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमको बताना है सही स्टेटमेंट। सागरों का सतही जल उच्च घनत्व से कम घनत्व की ओर गति करता है। ठीक है, सागरों का उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करता है, कौन सा सही है? यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरा तो सही है, सागरों का जल उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करता है, लेकिन ये ऊपर वाला गलत है, ये वाला रॉन्ग है यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है उच्च तापमान उनसे घनत्व भी कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विपरीत इसके, कम घनत्व से उच्च घनत्व की ओर गति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सही हो गया? बी, केवल दूसरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि एक बार फिर से चूज करेक्ट है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है, पृथ्वी से विकीर्ण होने वाली ऊष्मा लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? यहाँ पर अगर आप देखें दोनों ही इनकरेक्ट हैं। जो वस्तु जितनी गर्म होती है उसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर उल्टा सब लिखा हुआ है कि ऊष्मा दीर्घ तरंग की होती है, यहाँ पर होगा लघु और यहाँ पर होगा दीर्घ, तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, नन। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न स्थान कथनों पर विचार करना है और सही स्टेटमेंट चुनना है। वेस्टर्लीज जो है ये 30 डिग्री से 65 डिग्री लेटिट्यूड में चलती हैं दोनों ही हेमिस्फेयर्स में, और इनके डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सही होगा? पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसे हाल ही में शुरू किया गया है, ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, ये वाला रॉन्ग है क्योंकि हाल ही में नहीं शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम है आपका 2008-2009 का। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया, ओनली टू यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्षा अधिग्रहण के संबंध में सही कथन को यहाँ पर चुनना है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात कर। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ये रिसेंट की बात नहीं है, कारगिल रिफॉर्म्स जब हुए थे 2001 में तब इनको जो है शुरू किया गया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं रक्षा मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गए, कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में सही कथन यहाँ पर चुनाव करना है उसका। तो पहले लिखा हुआ है कि इट इज इशूड ओनली टू दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। और अगला है कि पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 1% वोट मिलना जरूरी है पिछले लोकसभा इलेक्शंस में। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, जिन लोकसभा मतलब लोकसभा चुनावों में, पिछले लोकसभा चुनाव में जिनको 1% वोट नहीं मिले हैं वो पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उनके लिए नहीं जारी किया जा सकता है। इसकी अपर और लोअर लिमिट जरूर ध्यान रखिएगा, 1,000 तक का बॉन्ड हो सकता है और 1 करोड़ रुपए तक का भी बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि यूरिया पॉलिसी 2015 जो है इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसका? ये स्वदेशी यूरिया के उत्पादन को अधिकतम करना, यूरिया उत्पादन में कृषि दक्षता को बढ़ाना। तो तीन जितने भी दिए हुए हैं पोस्टुलेट्स इस नीति के बारे में तीनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आप हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। महाद्वीपीय संहति सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। महासागर की परपट्टी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं? तो दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, 15 का करेक्ट हो जाएगा मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, डी कोई करेक्ट नहीं है। महासागरीय परपट्टी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, और महासागरीय परपट्टी सॉरी महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, और महासागरीय परपट्टी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, उल्टा लिखा हुआ है, इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा और ये सही हो जाएगा।
अगला है आपका सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेडिमेंटरी रॉक्स, अवसादी शैलों या चट्टानों के बारे में बात करनी है। क्या इन शैलों पर जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर अवसादी शैलों का उदाहरण है। सो ऑफकोर्स दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, ये तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बोथ ये करेक्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। एक बार फिर से सही कथन चुनना है, चूज करेक्ट है। भूकंपी ऊर्जा का जन्म स्थान या उद्गम स्थान भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। भूसतह का वह भाग जो अधिकेंद्र के सबसे निकट होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है? यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट रहेंगे, ठीक है। नन यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें भी उल्टा लिखा हुआ है। अब देखेंगे भूकंपी ऊर्जा का जन्म स्थान जो है ये कहलाएगा आपका उद्गम केंद्र, और आपका जो भूसतह का वह भाग जो अधिकेंद्र के सबसे निकट होता है, जो उद्गम केंद्र के सबसे निकट होता है वो अधिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को टर्म्स को चेंज कर दिया गया एक बार फिर से यहाँ पर। अगला है आपका, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन चुनिए। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। कोल्ड करेंट्स फ्लो फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड्स। गल्फ स्ट्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड स्ट्रीम। इसका वन यहाँ पर सही है, वन स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कोल्ड करेंट्स फ्लो फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड्स, हालांकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये कोल्ड करेंट नहीं है, ये आपका हॉट करेंट है, ठीक है। कोल्ड करेंट कौन सा है आपका? एक जो फेमस है लेब्राडोर, जो सबको याद रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गंगा नदी के बेसिन के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। नदी बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश के बीच फैला है। पहला स्टेटमेंट है नदी बेसिन 10 उत्तर से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है, ये सही स्टेटमेंट है। इसको सोन, चंबल, घाघरा जैसी नदियां प्रवाहित करती हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर वन और टू दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पर चला जाएगा ऑल ऑफ द अबव डी, उपरोक्त तो सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज फाउंड इन द लद्दाख रीजन? यहाँ पर दिया हुआ है शे, लायमरू, थिक्से, हेमिस, गोम्पा। आपको बता दें सारे के सारे लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, आप याद कर लीजिएगा इनको। महान हिमालय या हिमाद्री सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय इसके हिमालयों के बारे में है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट आपका। पीर पंजाल निम्न हिमालय का भाग है, ये भी बात सही है। पीर पंजाल हो गया आपका, धौलाधर हो गया, महाभारत हो गया, ये निम्न हिमालय का भाग है। हिमाचल या लोअर हिमालय यहाँ पर आउटर मोस्ट चेन बताई जा रही है, यानी कि सबसे बाहरी श्रृंखला, ये गलत है। सबसे बाहरी श्रृंखला होती है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। तो यहाँ पर होगा आपका वन और टू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, वन और टू। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है, नामचा बरवा के पास, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर स्टेटमेंट आप देखें गलती है, यहाँ पर होना चाहिए पूर्व, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के वेस्ट से नहीं, ईस्ट से निकलती है, ठीक। और ये सही है, नामचा बरवा शिखर के पास से यू शेप्ड बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 23वां यहाँ पर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के निकट निकलती है। मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आप देखेंगे पहला तो करेक्ट है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां भी हैं और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि पहली कौन है? पहली आपकी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। तो यहाँ पर हमारे सही हो गए आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुवांशिक विकार है और इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। आपको बता दें यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। रॉयल डिसीज इसको कहते हैं क्योंकि शाही परिवार जो ब्रिटेन का था वहाँ के लोगों को ये जेनेटिक डिसऑर्डर था। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लड आपका क्लॉट नहीं होता है, थक्का नहीं जमता है, तो थोड़ी सी इंजरी से भी पर्सन का ब्लड ऊज होता रहता है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, और ब्लड खत्म तक हो जाता है, और बिल्कुल एक छोटी सी चोट जो है घातक बन सकती है जीवन के लिए। तो वहाँ के बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता था शाही परिवार को, क्योंकि जरा सा भी खरोंच लगने पर जैसे बच्चों को लग जाती है, उनको जान का खतरा हो सकता था। तो यहाँ पर है बोथ, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम लोग कब मनाते हैं? हर साल 17 अप्रैल को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि गैर मूल संपत्तियों के संबंध में कौन सा सही है।
पहला लिखा है कि नॉन कोर असेट्स यानी कि गैर मूल संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जो आवश्यक नहीं है, बस किसी कंपनी के व्यवसाय संचालन में उपयोग नहीं की जाती हैं। गैर मूल संपत्तियां अक्सर तब बेची जाती हैं जब किसी कंपनी को नकदी जुटाने की आवश्यकता होती है। तो बोथ यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में बात कर रही है। नागर विमानन महानिदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? नागरिक विमानों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट सही है, विमानन दुर्घटनाओं की जांच करना ये भी सही है, यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव या फिर कह सकते हैं बोथ। और विमान के शोर और इंजन के उत्सर्जन पर भी नज़र रखना ये भी इसका काम है, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही करेक्ट हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले कि ये भारत में पाया जाता है और वनजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 2 में ये सूचीबद्ध है। IUCN ने हाल ही में लाल सूची में इसको जो है सूचीबद्ध किया है, रेड लिस्ट में। अब देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। ये भारत में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, एक चीज़ हो गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, इंडिया में नहीं, केवल इंडिया में नहीं, यहाँ पर लिखा है केवल इंडिया में, तो ये गलत है। ठीक, उसके बाद सूची 2 में लिखा है सूचीबद्ध है, ये गलत है, ये सूची 1 में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 में, और IUCN की रेड लिस्ट में है, लेकिन ये आपका रेयर एनिमल्स में नहीं है, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। तो ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए, तो सही कौन सा है? कोई भी नहीं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सेटेलाइट के बारे में आपको बताना है, सही स्टेटमेंट क्या है? नासा द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है क्या, और क्या 2005 में इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। TESS या टेस्ट जो भी है, TESS एक पृथ्वी जैसा एक्सोप्लैनेट है जिसका पता लगाया था नासा ने, ठीक है, और 2005 में प्रक्षेपित नहीं किया था, ये जो है इसका पता लगाया गया था 2018 में, ठीक है। और यहाँ पर SpaceX द्वारा विकसित जो रॉकेट है Falcon 9, वो 2018 में 9 अप्रैल पर लॉन्च किया गया था, मतलब अप्रैल में Falcon 9 लॉन्च किया गया था 2018 में। और टेस्ट का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सेटेलाइट, तो कोई नहीं यहाँ पर होगा करेक्ट आपका, नन। करंग द्वीप के बारे में बात करनी है हमको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये म्यांमार में है, और दूसरा लिखा गया है कि वर्ल्ड का कैशलेस आइलैंड बना है सबसे पहला। आपको बता दें कि दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर से रॉन्ग है, ये म्यांमार में नहीं है, ये आपका है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, ठीक, और ये वर्ल्ड का नहीं, ये इंडिया का सबसे पहला कैशलेस आइलैंड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हो गए रॉन्ग यहाँ पर, और हमारा ऑप्शन चला गया नन, ठीक है, कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात करना है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है? ये गलत हो गया। क्या इसकी स्थापना 1942 में हुई थी? और क्या ये ऑटोनोमस बॉडी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, 1942 में स्थापना हुई थी इसकी, और स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नहीं, इसको सपोर्ट मिलता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, ठीक है। CSIR एक फेमस अवार्ड देता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बाघ जनगणना के संबंध में चयन करना है, पहली बार 2006 में लॉन्च हुआ था क्या, और क्या हर 4 साल में आयोजित होता है, और क्या इसमें खाली यंग टाइगर्स को हम शामिल करते हैं? तो आपको बता दें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, 2006 में शुरू हुआ, 4 साल में होता है, खाली यंग टाइगर्स को शामिल करते हैं, जो शावक होते हैं बेबी टाइगर्स उनको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की डेट में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो आप किसको टिक लगाएंगे, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल मेमोरियल एंड साइट काउंसिल के बारे में बात करना है, इसके बारे में सही कथनों को चूज करना है। तो लिखा है इट वॉज फॉर्म्ड अंडर वेनिस चार्टर 1964, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं, बोथ आप याद रखिएगा इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे हम लोग। लाइन ऑफ कंट्रोल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या भारत और चाइना के बीच है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच है? तो एक बार फिर से रिवर्स यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर हमको रिप्लेसमेंट कर रही है इन दोनों की, ऐसे इसको ऐसा ये
तीर बना सकते हैं इसमें, इनको रिप्लेस कर देंगे तो सही हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर चाइना के बीच है, भारत और चाइना के बीच। यहाँ पर नन करेक्ट चला जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे, ग्रामीण वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-2019 के बारे में बात करना है। सबसे बड़ा स्वतंत्रता स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, इंडिपेंडेंट सैनिटेशन सर्वे, और क्या इसको वर्ल्ड बैंक के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड सैनिटेशन ने करवाया था। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है कि सबसे बड़ा आपका इंडिपेंडेंट सर्वे था, ये करेक्ट है एकदम। ये गलत है क्योंकि मंत्रालय का नाम गलत लिखा हुआ है इसमें, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय ने इसको करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ओनली वन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बैक्टीरियोफेज, जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अभी लार्ज क्वांटिटीज यहाँ पर मिली हैं यमुना रिवर में बैक्टीरियोफेजेस की, और क्या बैक्टीरिया, क्या ये एक बैक्टीरिया का प्रकार है जो वायरस को मार सकता है बैक्टीरियोफेज, ये बताना। आपको बता दें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ये आपका पहली बात तो गंगा रिवर में मिला है, ठीक है, आपका यमुना में मिला ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक प्रकार का वायरस है जो कि आपका बैक्टीरिया को मार सकता है, ये चीज़ उल्टी लिखी हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट नन, दोनों में से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमको बात करनी है अब एशियन टी अलायंस के बारे में। क्या ये 8 टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और मतलब चाय पीने वाले, चाय उगाने वाले, उत्पादन करने वाले देशों का समूह है, क्या इनकी बैठक अभी दिल्ली में आयोजित हुई थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा नन, दोनों में से कोई भी नहीं। क्योंकि अभी अब अगर आप देखें तो रिसेंटली ये चाइना में हुआ था, गुजाऊ करके जगह में वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 8 कंट्रीज नहीं शामिल हैं, इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं खाली, ठीक है। 5 कंट्रीज वो कौन कौन सी हैं, श्रीलंका, आपका इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया और जापान। आगे बढ़ते हैं, मीजल्स के बारे में बात करना है कि पहली बात तो ये वायरल डिसीज़ है, और दूसरा जो है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से यानी संपर्क में आने से फैल सकती है। तो दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दोनों ही करेक्ट हैं, ये आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़ है और एक वायरस जनित बीमारी है। किस वायरस से होती है आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए, कमेंट डाउन बेलो। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट 15B के तहत शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। INS विशाखापट्टनम, INS मरमगांव, INS इम्फाल और INS पोरबंदर प्रोजेक्ट 15B के तहत शामिल किए गए आपके पोत हैं, जहाज हैं, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करती है, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, ये लिखा हुआ है। तो आपको बता दें केवल यहाँ पर आपका सही है क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस में है ये इसको जारी करता है, ये सही है। लेकिन इसको जो है 2002 से शुरू किया गया था, 2000 से नहीं, ठीक है, 2002 ये वाला हो गया रॉन्ग, तो ओनली वन। आगे क्वेश्चन है हमारा, अब आपको बात करना है सोफिया के बारे में। तो सोफिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है क्या, और क्या नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है ये क्या? तो आपको बता दें ये लार्जेस्ट एरियल ऑब्जर्वेटरी है, लार्जेस्ट एरियल ऑब्जर्वेटरी, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये नासा और एक जर्मन स्पेस एजेंसी का है प्रोजेक्ट, जिसका नाम है आपका DLR, तो दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हो गए, नन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन बुल फ्रॉग, भारतीय बुल फ्रॉग के बारे में बात करनी है। इंडियन बुल फ्रॉग भारत का सबसे बड़ा मेंढक है, ये सही है, लेकिन इसको 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट की शेड्यूल्ड 1 में नहीं रखा गया है, शेड्यूल्ड 4 में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। आगे हम बढ़ते हैं, गारिया पूजा के बारे में बात करनी है हमको। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि झूमिया जनजाति इसे मनाती है, सही है, प्रत्येक वर्ष वैसाख के महीने मनाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन इसे गुजरात में नहीं लोग मनाते हैं, इसको मनाते हैं अगरतला में, अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माउंट आंगूंग के बारे में बात करना है, इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो इन बाली इंडोनेशिया। माउंट आंगूंग है स्ट्रेटो टाइप का वोल्केनो है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, ये वाला भी बोथ आर करेक्ट। ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में बात करनी है कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले स्मॉलेस्ट
ठीक है, यानी सबसे छोटे और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आपके कछुए हैं, ये बात सही है। IUCN की रेड लिस्ट में इनको रखा गया है, ये भी बात यहाँ पर आपकी सही है। ओडिशा जो है, ओडिशा का तट जो है लार्जेस्ट मास ब्रीडिंग साइट है पूरे वर्ल्ड में ऑलिव रिडले टर्टल्स का, ठीक है, तो बहुत यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है, सौर ऊर्जा निगम, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या इसे 2014 में बनाया गया था, तो पहला तो यहाँ पर सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, लेकिन 2014 नहीं, बनाया गया था सितंबर 2011 में, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। आगे हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये बनाई गई थी, क्या ये CSIR ने स्थापित की है न्यू दिल्ली में, और क्या ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर के इसको जो है इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, और ये ग्रेटर नोएडा में नहीं है, ये आपकी गाजियाबाद में, गाजियाबाद, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा नन, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। आगे बात करते हैं, यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के बारे में बात करनी है, सेक्सुअल हरासमेंट एविडेंस कलेक्शन किट, क्या ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और क्या इसको निर्भया कोष से वित्त पोषण मिलेगा, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नहीं, होम मिनिस्ट्री ने यानी कि गृह मंत्रालय ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और दूसरी बात यह है कि इसको फंड किया जा रहा है निर्भया फंड से, ये भी बात सही है, ये गलत है, तो यहाँ पर सही होगा केवल सेकेंड। आगे हमारा क्वेश्चन है 48, विश्व वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक के बारे में बात करनी है, 2019 में 80वें स्थान पर रखा गया भारत को क्या, और क्या इसे 2013 में शुरू किया गया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं। इनसेको ग्रुप और टाटा कम्युनिकेशंस की पार्टनरशिप में इनसीड करके जो एजेंसी है ये जारी करती है इसको, इसके दोनों ही फैक्ट सही हैं। 80वां स्थान इस बार 2019 में मिला इंडिया को, ये ध्यान रखिएगा, और 2013 से ये शुरू हो रहा है, लगातार आ रही रैंकिंग हर साल, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वॉज फॉर्म्ड इन 2016, और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड 2016 में स्टैब्लिश किया गया कोलकाता में, लेकिन ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पर सही है केवल एक, ओनली वन। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में सही कथन का चुनाव करना है, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो इसके बारे में अगर आप देखें तो 1988 में गठित किया गया, ये भी सही है, और रंगराजन कमेटी की अध्यक्षता की जो उच्च स्तरीय समूह था उसकी सिफारिश पर यह अस्तित्व में आया है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं बोथ। हमको बात करनी है तितियांग के बारे में, तो तितियांग जापान का अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड में लिखा है कि मार्च 2019 में इसको प्रक्षेपित किया गया है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, तो तियांगंग या तितियांग या तियांगंग जो भी बोलेंगे इसको, सॉरी माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, ये अंतरिक्ष का टेलीस्कोप नहीं है, ठीक है, ये आपका है चाइना का, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है, और ये स्पेस में जाएगा 2022 तक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों ही रॉन्ग, कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट है। अगला है अरब लीग के बारे में बात करनी है, क्या 6 अरब कंट्रीज इसमें जो है सदस्य हैं, 1945 में इसको स्थापित किया गया था, जॉर्डन इसका जो है क्या संस्थापक सदस्य देश है, तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, 1945 में कैरो में स्थापित किया गया था, जॉर्डन इसका संस्थापक सदस्य है, लेकिन खाली इसमें अरब देश नहीं शामिल हैं, आप ध्यान रखिए कि इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका और अरब के आसपास के अरब राज्य भी शामिल हैं, तो वन को छोड़कर सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा। आगे है मेलामाइन के बारे में बात करनी है, मेलामाइन में जानवरों के परीक्षण में मूत्राशय की बीमारी का कारण यहाँ पर पता चला है, मूत्राशय में पथरी का कारण बन सकता है, और मेलामाइन एक कार्सिनोजन या कैंसर जनित पदार्थ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, WHO की वेबसाइट पर देखिएगा, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, इसको कार्सिनोजन बताया गया है और एनिमल में ब्लैडर स्टोन्स का कारण बन सकता है। बात करनी है FSSAI के बारे में, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, पहला स्टेटमेंट, दूसरा है कि इसको 2006 में स्थापित किया गया था, आपको बता दें दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है वो इसको हेड करते हैं, बोथ यहाँ पर करेक्ट हैं। अब बताइए
कि चेयरपर्सन इस समय एफएससीआई के कौन है, भाई कौन है चेयरपर्सन। आगे बात करते हैं हम लोग, बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में बात करनी है। करंट बैंकिंग सिस्टम ओम्बड्समैन स्कीम जो है, क्या इसको 2006 में जो हमने लागू किया था, और क्या ये रिजर्व बैंक के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है, निगमित किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके हो गए करेक्ट, ठीक है बोथ। सुरक्षित शहर परियोजना के बारे में बात कर रही है, 8 बड़े सिटीज में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश से केवल लखनऊ शामिल है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या निर्भया फंड से किया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सेफ सिटी में लखनऊ शामिल है उत्तर प्रदेश की तरफ से, 8 बिग सिटीज़ में शुरुआत में शुरू किया गया सेफ्टी, मतलब ये सीसीटीवी मॉनिटरिंग और गश्ती, वुमेन जो कॉन्स्टेबल्स हैं उनकी चौकी, उनकी गश्ती स्थापित की जानी है इसके तहत। अगला है रिसेंटली FL277 और FC5 यहाँ पर न्यूज़ में रहे थे, ये क्या चीज़ें हैं, ये दोनों क्या चीज़ें हैं आपको बताना है। ये दोनों हैं आलू की किस्में, पोटैटो वैरायटी हैं, ये हो जाएगा नन ऑफ दीस, ठीक है नन ऑफ दी अबव। पेप्सिको ने बेसिकली कोर्ट में ये दावा किया था कुछ फार्मर्स के खिलाफ, उन पर जो है मुकदमा लगाया था, जो लोग बिना उनकी परमिशन के FL2027 और FC5 आलू की किस्में जो है उगा रहे थे, बेच रहे थे। कफाला प्रणाली के बारे में बात करना है, क्या अभी से हाल में सऊदी अरब ने बैन कर दिया है, एब्रोगेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और दूसरा है क्या इस प्रणाली के तहत मुस्लिम महिलाओं को कार चलाने की अनुमति नहीं थी। तो पहली बात तो ये सऊदी अरब का सिस्टम नहीं था, ये था कतर का, ठीक है। और ये क्या चीज़ थी, बेसिकली निकास वीज़ा प्रणाली थी, ठीक है। कफला एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है गारंटी देना या देखभाल करना, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गए हैं आपके, सही हो जाएगा यहाँ पर नन। उसके बाद हम आते हैं 59 पर, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में बात करनी है, क्या इसको अप्रूव किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1945 में, और क्या लीगली बाइंडिंग है, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है ये, एकदम सही है, लेकिन 1945 में नहीं, ये अभी लागू हुई है 2014 में, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया, ओनली सेकेंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ATT के बारे में, MERA इंडिया यानी कि मेरा भारत स्कीम जो है किससे संबंधित है, क्या हम मीजल्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं 2025 तक, और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम है। तो एक्चुअली में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2030 तक मलेरिया एलिमिनेशन का प्रोग्राम बनाया है, मलेरिया को 2030 तक हम खत्म करना चाहते हैं, ये है मेरा भारत स्कीम। और मेरा का यहाँ पर मतलब है मलेरिया इरेडिकेशन रिसर्च अलायंस, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई रोल नहीं है, ये ICMR की अपना इनिशिएटिव है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट है नन। आगे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कहाँ पर है आपकी मंजीरा, ये आपकी है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है भारत स्टेज 6 के बारे में बात करनी है, क्या BS6 PM को रिड्यूस कर सकता है, पार्टिकुलेट मैटर को आपका 100% तक, डीजल कार्स में BS6 क्या सल्फर को रिड्यूस कर सकता है आपका 60% तक, 50 मिलियन तक ला सकता है इसको, 20 पार्ट पर मिलियन तक, 20 मिलियन PPM तक ला सकता है, और आपका BS6 क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा अप्रैल 2020 से। तो कौन सा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड स्टेटमेंट सही है कि 2020 अप्रैल से इसको लागू किया जाना है, सेकंड वाला रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर 60% नहीं, यहाँ पर 80% की कमी की बात कही जा रही है, और जैसे पहला लिखा हुआ है डीजल कारों में 100% की कमी, तो 100% नहीं, डीजल कारों में यहाँ पर आपकी कमी होगी 80% तक, 80% लॉजिकल भी है कि मतलब 100% तो नहीं कम होगी, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका केवल थर्ड, ओनली थर्ड। आगे क्वेश्चन है हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसको मार्च 2007 में स्टैब्लिश किया गया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत, और क्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है NCPCR के बारे में, ठीक है बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ईशाद के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है, तो ये आम की एक किस्म है, और क्या ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो है तो ये मैंगो की वैरायटी लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती, कर्नाटक में, ठीक है कन्नड़ जिले में, ओनली वन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, नागपुर एयरपोर्ट हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2018-2019, कोचीन एयरपोर्ट हैज रजिस्टर्ड निगेटिव ग्रोथ।
ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है कोचीन ने, नागपुर ने सर्वाधिक दर्ज की है, बताइए कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो दोनों ही सही है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, उन्होंने जो आंकड़े जारी किए थे इसके अनुसार नागपुर हवाई अड्डा तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद बेंगलुरु और हैदराबाद है। नकारात्मक वृद्धि मतलब इतनी भी नकारात्मक नहीं, 0. माइनस मतलब -0.5% करीब नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है आपके कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं बोथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि PM10 और PM2.5 को हमको 20 से 30% कम करना है 2030 तक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, हमको एटलीस्ट 102 सिटीज में 2024 तक ऐसा करके दिखाना है, 2030 तक नहीं। और बेस ईयर जो है कंसंट्रेशन के कंपैरिजन के लिए 2017 ही लिया गया है, ये सही है, ये गलत है, तो हमारा चला जाएगा हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2। आगे बात करते हैं, फिफ्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन मीटिंग क्या नेपाल में हुई थी काठमांडू में? सेक्रेटरिएट एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का काठमांडू में है क्या? तो पहला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग है क्योंकि इसका काठमांडू में नहीं सेक्रेटरिएट, इसका है कुआला लंपुर में। कुआला लंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पाइक एलआर। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक एयर डिफेंस का सिस्टम है, ये बेकार मतलब गलत स्टेटमेंट है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल। और दूसरी बात ये है कि हमने रशिया से नहीं प्रोक्योर किया है, हमने खरीदा है इसराइल से। तो यहाँ पर हो गया नन, कोई भी करेक्ट नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूएनएससी के बारे में बात करनी, यूएनएससी 1267 प्रस्ताव के बारे में, 1999 में पारित किया गया था ये प्रस्ताव, देश को आतंकवादी संगठनों के धन वित्तीय संपत्ति और व्यक्तियों और संस्थाओं के आर्थिक संसाधनों पर तुरंत रोक लगाने की अनुमति देता है। तो बहुत स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा इस रेजोल्यूशन के बारे में, आ सकता है थोड़ा सा एग्जाम में। आगे है शरद अरविंद बोबड़े पैनल जो है किससे संबंधित है हमको बताना है। तो मुख्य न्यायाधीश से जो मतलब उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे सेक्सुअल हरेसमेंट के, उनकी जांच करने संबंधित है शरद अरविंद बोबड़े पैनल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सुमेलित करना है हमको, ठीक है, पक्षी अभयारण्य को राज्य से मिलाना है। सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य, चिल्का झील, वेम्बनाद और वेदांथंगल, कौन सा करेक्ट होगा? तो सलीम अली तो आपका गोवा में है, चिल्का आपका कहाँ पर पड़ेगा? ओडिशा में। वेम्बनाद पड़ेगा यहाँ पर केरल में, वेदांथंगल तमिलनाडु में, इस तरीके से आप मैच कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जलतपारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जलतपारा नेशनल पार्क यह है पश्चिम बंगाल में, ठीक। उसके बाद सेक्रेट ग्रूव्स स्टेट दिए हुए हैं, सेक्रेट ग्रूव्स ऑफ स्टेट, तो आपका ये गुम्पा मिलेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश में, देवराय आपको मिलेंगे यहाँ पर मणिपुर में, और आपको कावू मिलेंगे गोवा में, और मुहाक मिलेंगे केरल में, ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला। तो आपका हम लोग गुम्पा को मिलाएंगे 2 से अरुणाचल प्रदेश, बी को मिलाएंगे 1 से, सही है। कावू को किससे मिलाएंगे? केरल से, और मोहाक है मणिपुर, इस तरीके से आप मैच करेंगे, ये आप सही है, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, गलाशिया खाड़ी अभ्यारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा? गलथिया बे सेंचुरी, ये मिलेगी आपको ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपको किगाली समझौते के बारे में सही कथन पर चुनाव करना है, इसे 1987 में पारित किया गया था, और अगला स्टेटमेंट है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, बोथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट के रूप में इसको जो है पारित किया गया था, और ये ग्रीन हाउस गैसेस इरोजन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चला जाएगा सी। अब गलत कथन का चुनाव करना है इसमें, अब उसमें देखना है कि अम्लयुक्त जल के बहाव से मृदा के पोषक तत्वों का निक्षालन होने से उर्वरता कम होती है, ये सही है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपका गलत होगा ओनली सेकेंड, ठीक है, ओनली सेकेंड यहाँ पर रॉन्ग है। आगे है प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? कई बार आ चुका स्टेट पीसीज का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी सेकेंडरी। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में पारित हुआ था 1986 में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2072 का ये पारित हुआ था 1972 में,
तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट हैं। एक बार फिर से यहाँ पर डेट्स बदल दी गई हैं, ये यहाँ पर आना चाहिए इसके बदले में और ये यहाँ पर आना चाहिए इसके बदले में, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सही बैठ जाएगा। क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में विचार करना है और सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका क्या हेडक्वार्टर नैरोबी में है और क्या इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, तो यहाँ पर सही है आपका बोथ। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट है, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में कथनों पर विचार करना है। बायोमास इज यूज्ड ऑन रिलेटिवली क्लीन एंड एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल टर्म्स थ्रू गैसिफिकेशन प्रोसेस। बायोमास गैसिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंबस्टिबल गैस मिक्सचर बाय थर्मल केमिकल मेथड। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में, बोथ यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला है कवकों को उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं, यानी कि फंजाई जब अपर क्लास प्लांट्स से रिलेशन बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं किस तरीके के अपर क्लास प्लांट से बनाता है, तो माइकोराइजा से बनाता है, रूट नेड्यूल्स जो माइकोराइजा के होते हैं उससे बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है स्थल पर उगने वाले सबसे पहले पौधे कौन से हैं, ये हैं आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आप किसी एक ब्रायोफाइट का नाम मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज अफेक्टेड। सबसे पहला है जीन्स और दूसरा फिर है ग्रोथ हार्मोन्स और तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो सभी का प्रभाव पड़ सकता है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है पेलाग्रा नामक रोग जो है अत्यधिक क्या खाने से हो सकता है, तो ये सोरघम खाने से हो सकता है। ठीक है, पेलाग्रा ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्हाट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मलेरिया पैरासाइट अमीबा एटसेट्रा कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रोटोजोआलॉजी, क्योंकि अमीबा जो है मलेरिया पैरासाइट का जो होता है वो प्रोटोजोवन है, एक प्रोटोजोवन क्रिएचर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या चीज़ हो जाती है, इसको बोलते हैं क्वाशियरकर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैरस्मस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, UBSS में भी आया था कई बार। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स इन आर फूड। प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स हमारे कौन कौन से हैं, तो वो हैं वाइटमिन्स और मिनरल्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इन वुमेन इज मोर देन दैट ऑफ मेन, द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इज वुमेन इज लेस देन दैट ऑफ मेन, और रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन, प्रोटीन इज नॉट नेसेसरी इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इनकरेक्ट है आपका फर्स्ट वाला कि आयरन जो है वुमेन में ज़्यादा बनता है मेन की तुलना में, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आयरन कम बनता है महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में। अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में करेक्ट है आपका कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद वृक्क द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, तो आपका किडनी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें से प्रमुख हैं आपके इरिथ्रोपैटिन। ठीक है, उसके अलावा कैल्सिट्रिन भी होते हैं, यहाँ पर इरिथ्रोपोटिन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम करेक्ट मानेंगे। इसके ऊपर एड्रिनलिन ग्लैंड होता है, जो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि एड्रिनलिन सिक्रीट करता है, कब, इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था, ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, ये भी सही है। लेकिन इसमें जैसे लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि सृजन हुआ था इस पद का, ना कि समाप्ति, इस पद का सृजन हुआ था। 15 मेंबर की काउंसिल थी और सेक्रेटरिएट को असिस्ट करने के लिए। अगला है इंडिया अडॉप्टेड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इन 1949 और नेशनल एंथम को मिला 24 जनवरी 1950 को। भारत ने नेशनल फ्लैग क्या 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये वाला गलत है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हैं, वन और टू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन।
अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, आपका स्वायत्त निकाय कौन सा, ये बताना है। तो स्वायत्त निकाय है यहाँ पर आपके इलेक्शन कमीशन भी, सीएजी भी, यूपीएससी भी, तीनों सारे के सारे यहाँ पर आपके स्वायत्त हैं, ऑटोनॉमस हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो किडनी, हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी कौन कौन से हैं। अच्छा ये हम देख चुके हैं, ये थोड़ा सा मिसमैच है, 94 पे हैं बेसिकली। इसमें हमको अनुसूची दी हुई है और उसमें संबंधित विषय दिया हुआ है, उससे इसको मिलाना है। तो 9th में क्या दिया हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है मिला दिया। 10वीं में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दल बदल कानून, ठीक है इसको यहाँ पर सही कर लेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद 11वीं में क्या दिया हुआ है, पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है, 12वीं में नगर पालिका के बारे में। उसके बाद फजल अली कमीशन जो डील करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से, आंध्र प्रदेश जो है ये पहला स्टेट जो है रिऑर्गेनाइज किया गया था, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं बोथ, ठीक है। अगला है, यहाँ पर हमको चुनाव करना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर केवल एक बार संशोधन हुआ है और प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तो ये पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 1976 होना चाहिए यहाँ पर, अगर आप देखें 1976, ये वाला रॉन्ग, ये वाला करेक्ट, ओनली वन यहाँ पर आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपको बताना है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो विदेशियों को यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग ये नहीं प्राप्त है, और राइट टू एक्सप्रेशन ये नहीं प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भारतीयों विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। आगे है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रस्तुत कराने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जो है जारी की जाती है। तो प्रस्तुत होने के लिए रिट जारी की जाती है आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हीबीस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम देखें तो 99 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 44 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात कर ले तो वेयर इज द सिस्टम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एनश्रिंच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमको चयन करना है करेक्ट स्टेटमेंट का, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है, रूस और भारत विश्व के दो ऐसे देश हैं जहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात की गई है, तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट है, रशिया के अलावा भारत के अलावा भी ऐसे देश हैं जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, माफ कीजिएगा यहाँ पर नहीं की गई है मौलिक कर्तव्यों की बात, रशिया में भी नहीं, केवल जापान में की गई है बात और इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन कौन सा है। तो द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त केंद्र, उपरोक्त सभी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करते हैं सही कथन का चयन करना है, आर्टिकल 263 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, इट इज चेयर्ड बाई यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ पर खाली वन करेक्ट होगा, आप देखें यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की, ना कि गृह मंत्री। अगला है, आर्टिकल 352 का नेशनल इमरजेंसी संबंधित है, आर्टिकल 356 का प्रेसिडेंट रूल संबंधित है, आर्टिकल 360 का फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, तो सारे के सारे यहाँ पर सही मिलाए गए हैं, उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं ये बताना है। पहले लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और फिर लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स मान लिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए इलेक्टेड, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है तो सब सब में निर्वाचित निर्वाचित नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 75 के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में जैसे दिया हुआ, द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 में दिया हुआ है ना कि 75 में, ठीक है
अगला है, संसद की दोहरी सदस्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहले ऑप्शन में आप देखेंगे लिखा हुआ है, अ पर्सन इलेक्टेड बाय द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू टेल विद इन 14 डेज इन विच हाउस ही हैज टू रिसाइड या स्टे। तो रिसाइड नहीं यहाँ पर होगा, स्टे, क्योंकि हाउस यहाँ पर सदन है ना कि घर। तो ये रॉन्ग है क्योंकि 14 दिन का नहीं, 10 डेज का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है रॉन्ग है, बाकी सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। आगे हम बात कर लें, सुमिलित करना है यहाँ पर, पॉलिसी डिडक्शन, इकोनॉमिक डिडक्शन, इंडिकेटिव डिडक्शन। पॉलिसी डिडक्शन, रिडक्शन इन डिमांड बाय 1 रुपीज, इकोनॉमिक डिडक्शन, डेफिनेट डिडक्शन इन डिमांड, इंडिकेटिव डिडक्शन, रिडक्शन इन डिमांड बाय 100 रुपीज़। कौन सा यहाँ पर सही मिलाया गया है? यहाँ पर सारे के सारे जो है सही मिलाए गए हैं। एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बात करना है, तो जॉन मथाई की रिकमेंडेशंस पर अस्तित्व में आई, सही। पहले 25 होते थे, फिर 30 हो गए, ये भी सही। यहाँ पर हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? बोथ, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में ऐसे सही कथन का चयन करना है, सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 131। तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है। पहला सही और दूसरा सही कि मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया 131 में, बोथ। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हो गए। अगला है आपका, इंडियन कौन सा इंडियन स्टेट्स यहाँ पर फर्स्ट रैंक में है बीन्स के उत्पादन में? बीन्स के उत्पादन में आपका गुजरात है, सोयाबीन के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर बताना है, तो 8वां स्थान है। ठीक है, 8th, फर्स्ट कौन है ये आप बताइए कॉमेंट करके, फूलों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। अगला है, इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिल्क, हम लोग किस प्रकार का रेशम जो है सबसे ज़्यादा बनाते हैं? तो हम लोग बनाते हैं मलबरी वाला सिल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नारियल उत्पादन के सही क्रम में डालना है अब इनको, केरल में सर्वाधिक उत्पादन होगा, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में। ठीक है, बी। उसके बाद खरबूजा उत्पादन में स्थान क्या है? पहला है, खरबूजा में भी है, तरबूज में भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ये बताना है। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का मीट प्रोडक्शन में क्या स्थान है? छठा स्थान है। ठीक है, 6th। उसके बाद रैंक फर्स्ट, इंडिया रैंक्स थर्ड इन स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स थर्ड इन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स थर्ड इन जिंक प्रोडक्शन। कौन कौन से करेक्ट है यहाँ पर? यहाँ पर आपका केवल दूसरा करेक्ट है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक थर्ड है पूरे विश्व में, और इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए सेकंड। उसके अलावा अगर हम देखें तो जिंक प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान 4th है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है, ओनली सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। अगला, आंध्र प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन यूरेनियम प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश हैज़ द हाइस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, बोथ। उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉपर प्रोडक्शन में, इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन, कौन सा कंट्री यहाँ पर टॉप पर है ये बताना है, तो चिली है। ठीक है, चिली। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या का 17.5% है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सबसे पहले यही बात बताई जाती है डेमोग्राफिक्स में, ये दो फैक्ट, बोथ। इंडिया हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1971 से 1981, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1971 से 1981 में हुई है क्या? और दूसरी बात यह है कि 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर आपकी इतनी रही थी। आपको बता दें यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सेकंड वाला, ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर गलत फिगर दिया हुआ है, 1961 से 71 तक सर्वाधिक ग्रोथ रेट रही थी, ओनली सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेंसस से है, इन्फेंट सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से 919 है, ये सही है। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फेंट सेक्स रेशियो अर्बन का हाइयर है जबकि रूरल का हाइयर है। रूरल का कितना है? रूरल का इन्फेंट सेक्स रेशियो कितना है? ये है करीब आपका 923, और अर्बन
इन्फेंट स्ट्रेच रेशियो कितना है, ये है आपका 905, तो आप खुद ही देख लें कौन सा ज़्यादा है, रूरल वाला। यहाँ पर फर्स्ट ओनली करेक्ट है। देर वॉज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन द डिकेड 1911, 1921, 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द पॉपुलेशन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है। नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, वाणिज्य व्यापार उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो यही मात खा गया, स्टेटमेंट डी रॉन्ग है, बाकी सारे इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बिल्कुल सही है। उसके बाद गवर्नेंस के बारे में बात करना है वैदिक युग में, तो वैदिक एरा में जो पॉपुलर गवर्निंग सिस्टम था वो रिपब्लिक यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर जो है मोनार्की की बात करेंगे, मोनार्की की जो है ये आई जरूर थी, लेकिन ये लेटर वैदिक में आई थी, ठीक है, लेटर वैदिक में, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले राजन होते थे, ठीक है, गोप होते थे, जो कहीं ना कहीं जो है सिंबलाइज करता था डेमोक्रेसी का, क्लैंस होते थे पहले अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी मोनार्की थी या ऑटोक्रेसी थी, मोनार्की आई थी हल्की हल्की लेटर वैदिक पीरियड में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैंडक्राफ्ट विच इज नॉट यूज बाय द आर्यंस। आर्यंस ने कौन सी हैंडक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया? तो ब्लैक स्मिथ वाला काम उन्होंने जो है नहीं किया, ठीक है, लोहारी का। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो 16 महाजनपद हैं उनकी सब बात कहाँ पर की गई है? अंगुत्तर निकाय में। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आ चुका है। अगला है, आप सुमेलित कीजिए यहाँ पर। यहाँ पर कुछ नेम्स हैं ऑफिसर्स के और उनको वो किससे संबंधित थे उससे मिलाना है। तो आप देखें अष्टकुलक जो है ये परमर्षदायी संस्था हुआ करती थी, महामात या महामात्र होता था उच्च पद का अधिकारी, और बाली साधक होता था किसानों से कर वसूलने वाला, शौल्किक होता था व्यापारियों से कर वसूलने वाला, ठीक है। जो एक दूसरे के सामने लिखे हैं वही सही मैच किए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैन धर्म में परम ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैसे बौद्ध में तो है आपका इनलाइटमेंट, इसमें क्या है? कैवल्य है, कैवल्य प्राप्त हुआ था महावीर जी को, महावीर जैन को, और कैवलिन कहलाए थे वो। ऋग्वेद में किन दो तीन तीर्थंकरों का उल्लेख आपको मिलता है? तो ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव अरिष्टनेमी। अगला है आपका एंशियंट ड्रामा मुद्र राक्षस जो है ये किस पर आधारित है, क्या चीज़ जो है इसमें बताई गई है? तो इसमें अफेयर्स बताए गए हैं कोर्ट के, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हु स्टार्टेड बिजनेस विद रोम, यानी रोम के साथ व्यापार किन लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले, ये बताना है। तो एंशियंट में आपने पढ़ा होगा कि तमिल और चेर लोगों ने शुरू किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करना है कि यहाँ पर सत्वाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र सुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष काट दिया था, कौन सा यहाँ पर सही है? यहाँ पर आपका सही है केवल और केवल थर्ड, ठीक है, बोधि वृक्ष जो है तीन चार बार काटा गया था, सबसे पहले अशोक की जो एक तीसरी पत्नी थी तिस्सरख्खा ने उसने काट दिया था, शशांक ने काट दिया था, शेन वंश का शासक। पुष्यमित्र सुंग ये ब्राह्मण था, ब्राह्मणवादी था, ये इसने संरक्षण नहीं दिया कभी भी बौद्ध लोगों को, और सत्वाहन वंश के शासक, सत्वाहन शासक जो है अत्याचार नहीं करते थे, उनको संरक्षण देते थे। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये करेक्ट वाला। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ओटोमन जनरल्स डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज। तो विक्रमशिला और नालंदा को किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, काकी लिखा है इसको चेंज करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा खिलजी। उसके बाद अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई सिटी कौन सी नहीं है? तो फतेहपुर जो है उसने नहीं बनवाई थी, ठीक है, हिसार उसने बनवाया था, जौनपुर, फतेहाबाद। अगला है आपका, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस, ये कहाँ कहाँ पर हुई थी टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस? एक कन्नौज में, एक प्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम देखें तो गुप्त काल में वारामीर की प्रसिद्ध पुस्तक वृहत संहिता की रचना की थी, इसका विषय क्या था? वृहत संहिता किससे संबंधित है? ये एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, ठीक है, खगोल विज्ञान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन विच मार्बल हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो इमादतुल्ला जो आगरा में बनवाया गया था, टॉम्ब ऑफ इमादतुल्ला, उसमें सबसे पहली बार ठीक है मार्बल्स का वृहद प्रयोग देखने को मिला था, ठीक है, संगमरमर का। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में सिमिलैरिटी क्या थी। तो सिमिलैरिटी यही थी कि पॉलिटिकल पर्पस से नहीं बने थे, हालांकि बाद में पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना का विकास करने में सहायता मिली थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया था, ये भी कई बार आ चुका है, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे, चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट है, अच्छा और भी स्टेटमेंट है, सॉरी, राष्ट्रीय युवा दिवस राजीव गांधी संबंधित है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक डिरोजियो था। यहाँ पर हमको इनकरेक्ट बताना है, ये वाला इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं हर साल 12 जनवरी को। 12 जनवरी है क्या है कंफर्म नहीं है, लेकिन जनवरी में ही होता है। अगला है, कमाटागामारू क्या था, व्हाट वाज कमाटागामारू। ये कमाटागामारू इंसिडेंट जो है ये बहुत पूछी गई है कई बार। बेसिकली ये शिप थी, शिप का नाम था जो कनाडा गई थी। ठीक है, भारतीय मूल के लोग थे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। केसरी मराठा को एडिट किया, होम रूल लीग की स्थापना की पुणे में, और आर्यन का जो मतलब ये उत्तर ध्रुवीय आवास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एज ऑफ कंसेंट बिल के खिलाफ थे ये। ठीक है, इसको सपोर्ट इन्होंने नहीं किया था, तो ये वाला इनकरेक्ट है। उसके अलावा आंदोलनों को सही क्रम में लगाना है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहले हुआ 1920-21 के दौरान, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ 1942 में, क्विट इंडिया हुआ था। बहुत सरल था लगाना, कोई भी लगा सकता था इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला है आपका, ये नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो आपका वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन से मिलाया है, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। अगला है, इन द पीरियड ऑफ नेशनल मूवमेंट विच इवेंट अल्टीमेटली सर्व्ड एज द सीड ऑफ डिवीजन ऑफ कंट्री। भारत का विभाजन क्यों हुआ था, कब बीज पड़ा था, इसका ही बताना है। जब रिजर्वेशन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सेपरेट क्षेत्रों का हुआ था, निर्वाचन क्षेत्रों का और स्थानों का मुसलमानों में, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए, तब ऐसा लगा था कि अब बीजारोपण हो चुका है देश के विभाजन का। हंटर कमीशन ने किस टॉपिक पर अब जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी प्राइमरी एजुकेशन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताना है। तो आशीष, एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस सही है, होम रूल लीग ऑर्गेनाइज की सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया शुरू की ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है।